टेबल 6.5 का बेड है, ठीक है, ऊंची लेवल की इसकी, इसके बराबर की लेवल की हर साइड टेबल है, फुल पैक बेड है, काफी सारे सामान आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। ये जी हमारा, ये क्या बनाया हुआ है नीचे श्याम भाई? ये कैबिनेट बने हुए जो मार्केट में आजकल लोग इन हुए हैं। ओ यार जबरदस्त, इसके अंदर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़ो, नीचे पोने की शीट यूज हुई लगी सही है। ये इसकी अलमारी है स्लाइडिंग में, ड्रेसिंग है 4.5 फीट की, डिवाइडर है 6x6.5 का, ये डिवाइडर आ गया। बेड लेना चाहते हैं, अलमारी लेना चाहते हैं, डिवाइडर ड्रेसिंग लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पीस भी फैक्ट्री रेट पर आपको मिलेगा। ये बेड 2.25 पे तैयार हुआ होगा, ये पैनल लगाए हुए कुशन के बना के सारे। अलमारी है 6.5x7 फीट की, सही है। टू डोर इसके डोर है, ठीक है। तीन खाने बड़े बड़े, एक ड्रॉज है अंदर, इसके पट्टी नहीं लगी, सादी पट्टी नहीं लगी हुई, टेपर हुआ पहले ये टेपर हुआ है, डेढ़ के पल्ले बने हुए हैं। ये इसकी मोटाई आप देखेंगे तो ये डेढ़ की है, ये डबल पल्ला कहलाता है। इसकी ड्रेसिंग टेबल है 4 फीट की, ड्रेसिंग टेबल है, एक तरफ इसके ब्यूटी बॉक्स बना हुआ है, इसका डिवाइडर है 6x6.5 का, तीन पल्ले इसके ऊपर है, दो पल्ले इसके साइडों में, तीन ड्रॉज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है तिशाम जंजुआ। व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं तवक्कल फर्नीचर की फैक्ट्री आउटलेट पे। यहां लाने का मकसद ये है कि यहां पे आज एक और बहुत ही खूबसूरत किस्म का 4 पीस का बेडरूम सेट तैयार हुआ है। अमूमन आप लोगों ने फोल्डिंग अलमारियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको फोल्डिंग बेड दिखाएंगे और उसके अंदर माशाल्लाह से स्टोरेज बॉक्स बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म का बेड है, बिल्कुल मार्केट से हटके है, मुनफरिद डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलता, रेगुलर आपको ये ऑर्डर पे ही बनाना पड़ता है। तो तवक्कल फर्नीचर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कोई भी पिक्चर लेकर आएँ, आप इनको दिखाएँ, इंशाल्लाह आपको ये जैसा आपने पिक्चर में दिखाया होगा इंशाल्लाह वैसा ही आपको बना कर देंगे। और दूसरी अच्छी बात यह है तवक्कल फर्नीचर की कि जो लोग एक बेड लेना चाहते हैं, अलमारी लेना चाहते हैं, डिवाइडेड ड्रेसिंग लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पीस भी फैक्ट्री रेट पर आपको मिलेगा। अगर आपको सिंगल साइड टेबल चाहिए, सिंगल स्टूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से फैक्ट्री रेट पर मिलने वाला है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसके अलावा इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक डिज़ाइन दिखाएंगे, बाकी डिज़ाइन आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। और जो लोग इनके फैक्ट्री का विजिट करना चाहें, वो फैक्ट्री भी इनकी बिल्कुल ही फैक्ट्री आउटलेट के बिल्कुल अपोजिट है, आप विजिट भी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जिब्रान साहब, इनसे मैं बात करवाता हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिब्रान साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का करे। जिब्रान साहब माशाल्लाह हर दफ़ा की तरह ना आप एक मार्केट से हटके चीज़ बनाते हैं, आप तो माशाल्लाह फेमस ही इस चीज़ के लिए हैं कि बिल्कुल मार्केट से हटके डिज़ाइन, कैटलॉग डिज़ाइन आप बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो आपने डिज़ाइन मुझे दिखाया है, माशाल्लाह मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो ये आपकी खुद डिज़ाइन आपका खुद था या फिर कोई कस्टमर का? इस तरीके के डिज़ाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कस्टमर्स कहता है क्या जीवन में इस तरीके से हो जाए। हाँ, और कुछ आपकी टीम कुछ होती है? हमारी टीम होती है, कुछ हमारे ओनर जो हैं भी माशाल्लाह से वो एक अरसे से यही काम करता है, ठीक है, तो उनको बहुत तजर्बा है इस चीज़ का, तो वो कस्टमर को अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि इस जगह ये अच्छा लगेगा, इस जगह ये अच्छा लगेगा, ठीक है, दोनों की मिली भगत से ये सेट तैयार बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एक दफ़ा एड्रेस बताएं, क्योंकि ना हर दफ़ा की वीडियो में लोगों के इतने कमेंट्स ज़्यादा होते हैं ना एड्रेस के, तो बहुत परेशानी है। भाई इजीली एड्रेस है, जबरदस्त 8 नंबर पे तवक्कल फर्नीचर मौजूद है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके व्यूअर्स से हमेशा वीडियो में कि आप घर से निकलने से पहले कॉल कर लीजिए मुझे, तो मैं आपको पिन लोकेशन भी भेज देता हूँ। लोकेशन का मसला है तो मैं आपको गाइड कर दूँगा कि किस तरफ से आ रहे हैं। तो मैं आपको, अगर आप लियाकताबाद या हसन स्क्वायर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं तो आप बिलोच होटल बहुत मशहूर है, बिलोच होटल पे आके मुझे कॉल कर ले, वरना बिलोच होटल वाला वही रोड सीधा अंदर आ रहा है, अलग क्लिनिक है, अलग क्लिनिक वाली गली में मेरी फैक्ट्री भी है और फैक्ट्री के सामने आउटलेट है। चले सही है, ठीक है। तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जिब्रान भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं श्याम भाई? ये बेडरूम सेट है शीशम लेमिनेशन पैटर्न में, शीशम कलर में, मलाई कपड़े पे कंट्रास्ट है, ठीक है। 6x6.5 का बेड है, ठीक है, ऊंची लेवल की इसकी, इसके बराबर की लेवल की हर साइड टेबल है, सही है। ये इसकी अलमारी है स्लाइडिंग में, 6.5x6 तकरीबन 7 फीट की है, डोर वाली है जी, 2 डोर है, 2 स्लाइडिंग है, ठीक है। एक इसकी अलमारी है 4.5 फीट, वो ड्रेसिंग है 4.5 फीट की, ठीक है, वैनिटी लाइट वाली। हाँ, ये इसका ही डिवाइडर है 6x6.5 का, ये डिवाइडर आ गया इसका, ठीक हो गया। चले बेड से बिस्मिल्लाह करते हैं सर इसके, और सबसे पहले तो इसके कुशंस की बात करते हैं, हेडबोर्ड की। श्याम भाई ये बेड 2.25 पे तैयार हुआ होगा, ये पैनल लगाए हुए कुशन के बना के सारे, ये 6 पैनल लगे हुए हैं, ये पैनल कुशन के नहीं है, ये लेमिनेशन पार्टर्स के पैनल हैं, रूटर से काम किया हुआ है सारा, टेबर पैनल है, ठीक है। ये सारा वर्क हुआ हुआ है एक्रेलिक का, ठीक है, गोल्डन एक्रेलिक लगा हुआ है, ये सारा गोल्डन एक्रेलिक लगा हुआ है, ठीक है।
इसके चार तीनों तरफ से बेड फुल पैक है, फुल पैक बेड है, काफ़ी सारा सामान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इसके अंदर शाम भाई कैबिनेट बनाए हुए भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो साइड टेबलें, ये पैनल बिल्कुल लेवल के साइड टेबल है, एक सूट का भी फर्क नहीं आपके सामने इसके अंदर जैसी है। और ये तीन पैनल दिए हुए हैं, एक्रेलिक का काम किया हुआ है, सही है। दो ड्रॉज़ हैं नीचे, दो ड्रॉज़ आ गई इसकी, ठीक है ये वाली, ठीक है सेट पे दो ड्रॉज़ आ गई हैं, सही है। अच्छा तो अब आ जाएँ साथ में, आए उठवाएँ ज़रा थोड़ा सा दिखाएँ। ये आ गया जी हमारा, ये क्या बनाया हुआ है नीचे श्याम भाई? ये कैबिनेट बने हुए जो मार्केट में आजकल लोग इन हुए चल रहे हैं, ये कैसे खुले हुए हैं? अरे वाह यार ज़बरदस्त, पोने की शीट यूज हुई लगी नहीं रहा बेड है ये तो, ये अलमारी है श्याम भाई तकरीबन। अच्छा इस पूरे बेड में ये व्हाइट बेड ऐसा है अभी तक मेरे इस कारखाने का कि इसके अंदर कहीं पे भी डब नहीं है, सारा स्क्रू से फोल्डिंग है, मतलब फोल्डेबल बेड है जी, बिल्कुल फोल्डेबल अलमारी है, तो हमने दिखाई है फोल्डेबल बेड भी देखे भाई। ये सारा ये जो छोटा पल्ला है ये सारा स्क्रू से फिट होगा। अच्छा अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा सामने एक स्क्रू लगाया हुआ है लड़के ने खाली रोकने के लिए, इसके ऊपर पट्टियां लग जाएंगी, इसके ऊपर पट्टियां नहीं, ये बेड फिट है, इसके ऊपर गद्दा आएगा, गद्दा आएगा ये। अच्छा बेटा बन गया ऐसे ही, पीछे वाला भी है सेम, ये ऐसी सेम यही है। ये दो खाने बने हुए, काफी बड़े बड़े बने हुए। ये कराने का मकसद क्या है? वैसे भी तो ये चारों तरफ से पैक है श्याम भाई, ये तो एक कस्टमर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वरना मैं आपके सामने हर वीडियो में यही मशवरा देता हूँ कि आप ये ना बनवाएं। अगर आप ये बनवाते हैं तो इसका मकसद है 28,000 रुपये का कम से कम ये बॉक्स बनता है, क्योंकि तकरीबन 6 फीट की अलमारी का जितना माल इसके अंदर लगता है। अब आपकी तीनों तरफ से पट्टियाँ फूल हैं तो आप गद्दा और शीट उठा के भी यूज कर सकते हैं, अभी भी आपको गद्दा उठा के यूज करना पड़ रहा है। समझ गया, ठीक है। तो अपने तकरीबन 28,000 रुपये को बचाएं, और मैं तो आपके सामने अपनी हर वीडियो में अपने कस्टमर को मशवरा देता हूँ, हाँ कि आप बॉक्स ना बनवाएं। मेरे हिसाब से ये आपका खुद ही बॉक्स होता है, अगर आपको बनवाना है तो इस तरीके से बॉक्स बनते हैं तरीके से, ठीक है। अब जो लोग बना रहे हैं बॉक्स, वो अपने हिसाब से बनाते हैं कि छोटे छोटे खाने बना दिए, पल्ला नहीं ऊपर और ऐसे यूज़ हो रहे हैं, तो उस तरीके के बॉक्स नहीं, बॉक्स तो जैसे बनते हैं, सही है। अच्छा हेडबोर्ड, इसका फुटबोर्ड जो है बिल्कुल सादा सा रखा, बिल्कुल सादा है श्याम भाई, अगर कोई कहेगा तो इसके अंदर कुछ भी कस्टमाइज हो जाएगी, हल्का फुल्का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये श्याम भाई इसकी अलमारी है 6.5 फीट बाई 7 फीट की, सही है। टू डोर इसके डोर हैं, ठीक है। तीन खाने बड़े बड़े, एक ड्रॉज है अंदर इसके, सही। दो पल्ले श्याम भाई इसके स्लाइडिंग है, अच्छा पल्ले भी छोटे 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 खाने, पूरा मेरा प्रेस हुआ हुआ एस एस का रॉड लगा हुआ, ठीक है ठीक है। और इस साइड पे एक और डोर हुआ है, ठीक है। एक भाई ये जो वर्क हुआ है सारा, ये नॉर्मल पट्टी नहीं, सादी सादी पट्टी नहीं लगी हुई, टेपर हुआ हुआ है, टेपर हुआ पहले ये टेपर हुआ है, डेढ़ के पल्ले बने हुए हैं ये, इसकी मोटाई आप देखेंगे तो ये डेढ़ की है, ये डबल पल्ला कहलाता है। सारे हाइड्रोनिक किचन कब्जे लगे हुए इसके अंदर, डायमंड लॉक लगे हुए, ये सारा एक्रेलिक का काम किया हुआ है, ये आपके सामने किस तरीके से मिलाया हुआ। अच्छा ये अलग से आगे डिजाइन इस तरह आया हुआ है अलमारी से, देखें ऐसे अलमारी कुछ लगेगी आपको, इसका शेप ऐसे आएगा शेप, हाँ देखें ऐसे आ रही है, फिर ऊपर बाहर आई, फिर अंदर, फिर इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी अलमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ड्रेसिंग टेबल की, श्याम भाई ये इसकी ड्रेसिंग टेबल है, 4 फीट की ड्रेसिंग टेबल है, एक तरफ इसके ब्यूटी बॉक्स बनाया हुआ है, ये शेल्फे लगी हुई है, हार्डोनिक कब्जे लगे हुए हैं, डेढ़ का पल्ला है, सही है। मेरा सामने से प्रेस करके लगाया हुआ, ये वही टेपर करके पैनल दिए हुए, अगर इस पर भी कोई कस्टमर कहता है कि एक्रेलिक करनी है तो वो भी हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। ये खाना उन्होंने ओपन छुड़वाया बिल्कुल, सही है। चार इसके अंदर शाम भाई ड्रॉज हैं, ड्रॉज भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं शाम भाई, 9 इंची की ड्रॉज है माशाल्लाह से, चेक करें लग रहा है उसके साइज से पता चल रहा है खाली मत्था बड़ा नहीं है, अंदर से भी बड़ी है, ठीक है। और नीचे से ये है इस तरह से 12 की पट्टी लगाई हुई है जी, बिल्कुल ठीक है। एसएस का काम है सारा, ठीक है, सारा ये एक्रेलिक का ब्लैक का कंट्रास्ट दिया हुआ, और ऊपर ये एक एलईडी लाइट का ऑप्शन है, ठीक है। और पीछे जो है ना प्रेस नहीं किया हुआ था मिरर, पीछे जो है ना पूरी बेस होती है, पूरी बेस है उसके ऊपर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। श्याम भाई ये इसका डिवाइडर है 6x6.5 का, ठीक। तीन पल्ले इसके ऊपर है, तीन पल्ले इसके, दो पल्ले इसके साइडों में, तीन रॉज है, ठीक है। इसका पहला खाना है, आप इसकी गहराई देख लें, इसकी आराम से इसके अंदर आप मेरे हिसाब से 3 से 4 डिनर सेट इजीली रख सकते हैं, सही है। साइड पे किया आ गया, ठीक है, और सेम ऐसा ही आ गया। अच्छा ये पूरा है 1 पीस में ऊपर से नीचे तक? अच्छा हम भाई ये तीन खाने अलग अलग है, तीनों खाने अलग अलग, ये लगता है ऐसा है कि ये ऊपर नीचे वाला डिवाइडर है,
पर ये तीनों खाने अलग अलग है, नीचे के पल्ले ही अलग है बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई कैबिनेट वैबिनेट लगवा दे तो कोई पैसे भी नहीं है? अगर इसमें कोई बोलेगा तो लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कोई पैसे नहीं लेते? कोई अल्लाह ना करे, इसमें एक शेल्फ तो कोई पैसे नहीं। मैचिंग के ही लगाते हैं ना? जी बिल्कुल सही है। ये तीन डोज है शैम्बे इसके अंदर, सारा ये एक्रेलिक का वर्क हुआ है, ये ब्लैक लेमिनेशन लगा हुआ है, शीशम पे टोटल बेड बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ये पल्ले पे आप देखें सारा रूटर का काम हुआ है, ये झीरिया डली में ये टेपर पैनल देके उस पर एक्रेलिक का काम किया हुआ। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो जुबरान साहब डिज़ाइन तो आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, क्या प्राइस क्या देंगे शैम्बे? इसके आस्किंग प्राइस तो समझ लें 2,20,000, 2,40,000 रुपये मार्केट में। हमने आपके व्यूअर्स के लिए बिल्कुल समझ लें सब कुछ निचोड़ के, ये डब्बे के साथ इस पूरा सेट ऐसे ही जंबो सेट समझ लें, आपके व्यूअर्स के लिए 1,95,000 रुपये का बगैर, 1,95,000 रुपये का बगैर मैट्रेस के। और अगर मैट्रेस भी कोई ले तो वो आप से रब्ता कर सकते हैं? वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर किस्म का मैट्रेस होता है, जो कस्टमर मुझसे मैट्रेस लेना चाहेंगे और मैं देता भी हूँ, दो ड्योरा का, अलखैर का, डायमंड का, मोल्टी का, जो चाहिए मुझसे बात करें, इंशाल्लाह मंगवा के। चलें सही है। अच्छा, तो कितने दिन में बना कर दे देंगे? शाम भाई 4 से 5 दिन वही रेगुलर, कोई एक हफ्ते का टाइम माइंड में, 7 दिन का जहन में रखें। अर्जेंट भी चाहिए तो वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आपको बना कर दे देते हैं। बाकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है, इंटीरियर से इनसे कोई रब्ता करता है, पैकिंग वगैरह ये वो सब अच्छी होती है आपकी, कार्गो वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो इन्जॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।